पवन बबुआ। हाँ अभी जस्ट खाना खा के आ रहे हैं, चावल और वही दाल, साथ में पापड़ छास, साथ में एक पता नहीं कौन सी वो बीन्स होती है ना जो गोभी की, ठीक बनी थी यार कल रात के खाने से, शिवरात्रि के रात वाले दिन खाने से तो अच्छी बनी थी, भाखरी थी कल रात को। हाँ पर लेकिन हलवा देखा था, हलवा तो हाँ हलवा भी था, पर मैं दिखाता हूँ कौन सा हलवा, नॉर्मल जो होता है हलवा, दूसरा किस चीज का यहाँ बहुत हलवा देते हैं, अरे वो क्या बोलते हैं उसे, आटे का, वो तुझे दिखाऊंगा मैं कैसा हलवा था, व्लॉग में देख लिया तू एक बार कैसा हलवा था वो। हाँ जी सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, आज है महाशिवरात्रि के अगला दिन और अभी हम लोग आइसक्रीम वगैरह खा के, खाना वगैरह खा के रूम पे आ चुके हैं। अभी मैं महाशिवरात्रि वाला व्लॉग एडिट करने बैठूंगा और उसे अभी अपलोड पे लगा दूंगा और थंबनेल भी बनाना शुरू करेंगे यार अब से, क्योंकि पहले तो मैं रात को अपलोड करता था, जिस दिन छुट्टी होती है तो मैं दिन में ही अपलोड कर दिया करूँगा, तो इसलिए अपलोड करने के साथ साथ थंबनेल भी बनाना पड़ेगा। फिलहाल तो Adobe क्रिएटिव क्लाउड चल नहीं रहा है यार, पता नहीं क्यों, यहाँ पे ना नॉर्मल नेट पे चल रहा है ना इनके वाईफाई पे चल रहा है, और इनका PU वाईफाई क्लाउड जो सर्वर था वो इन लोगों ने हटा ही दिया, अब सीधा रूकुस है। ठीक है, अगर कोई आ रहा है हॉस्टल में तो उन्हें शायद ही क्लाउड यूज़र वो मिले, गेस्ट यूज़र इंटरफेस मिले, परमानेंट एनरोलमेंट नंबर मिलने के बाद, यानी पहले के तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर में तुम्हें नेट नहीं मिलने वाला अब से शायद यहाँ पे, कन्फर्म नहीं है, क्या पता दोबारा से शुरू कर देना है एडमिशन्स के बाद, पर लेकिन हाँ यहाँ पे फिर अगर नहीं शुरू हुआ तो पहले महीने, पहले 6 महीने तुम्हें नहीं मिलने वाला इंटरनेट यहाँ पे, अगले 6 महीने जब तुम्हें परमानेंट आईडी पासवर्ड मिल जाएगा ना, परमानेंट एनरोलमेंट नंबर वही तुम्हारा यूजर नेम होगा और पासवर्ड मिल जाएगा, वरना अगर किसी मतलब सीनियर्स की लिस्ट तुम्हारे हाथ लग गई तो ऐश ही ऐश है, रुकुस पे ऐश करो, दोबारा कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ना कोई लिमिट लगाई, अब इन लोगों ने लिमिट भी हटा दी, पहले 2 डिवाइसेस पर उस पे थे पर यूजर नेम पे, अब वो भी हटा दिया, ऐश करना, आओ देखते कैसे ऐश करते हो तुम लोग यहाँ पे, हम तुम्हारे सीनियर बनने वाले हैं अभी। ब्रेकफास्ट में मैं बताना और दिखाना दोनों चीजें ही भूल गया कि मैंने जो ओवरनाइट ओट्स बनाए थे वो कल जो मैंने बताया था भाई की वीडियो देख के, वो मैंने खाए हैं और अच्छे थे यार, कतई अच्छे थे। हाँ मतलब थोड़ा अपने उसके डाइट के हिसाब से ना वो बनाना, क्योंकि मैंने जो उनका फॉलो करके बनाया था तो मेरे लिए ज़्यादा बन गए थे वो, मेरे मतलब खाए नहीं जा रहे थे इतने सारे, तो अब से मैं थोड़ी कम क्वांटिटी में बनाने वाला हूँ, पता नहीं यार देख सकते हो मेरी मतलब उस बंदे से भी कम मेरी, छोड़ो छोड़ो कुछ नहीं, हमारे तो बस क्या ही शरीर ही ऐसा है हमारा, तो ये इतना फास्ट होने के बाद भी इतना टाइम लेता है ना एक फाइल को इस वो करने में, फोकस हो जा। हाँ ये इतना फास्ट होते हुए भी इतना टाइम लेता है, ये इसको क्या बोलते हैं उसे, फाइल ट्रांसफर में, हाँ सॉरी फाइल ट्रांसफर में इतना टाइम लेता ना यार ये, और आजकल मतलब इतनी गर्मी हो रखी है ना यार आजकल, इधर बिना छाते के तो निकला जाता ही नहीं, और मेरे पास छाता है नहीं, दोस्तों से मांग के काम चलाते हैं, कल शायद मैं छाता भी ले लूं। ये जो मैंने लिया है ना टेक्निकल टीम वाला कोऑर्डिनेटिंग वाला काम, उसकी वजह से मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा आजकल, क्योंकि सारा ध्यान उधर ही हो रखा है, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया था कुछ, तो उसकी वजह से वो सारा हमने रिपीट किया है चीज़ें, तो उसमें बहुत टाइम लग गया हमारा। अभी तो पहले की क्लिप में आपने जो देखा, मेरे को खुद को याद नहीं है मैंने क्या रिकॉर्ड किया था, और अभी सारा फाइनली हो चुका है, लिस्ट वगैरह हो चुकी है, 12 बजे गए थे तब तक हमने किया, उसके बाद फिर बैठ गए थे और बैठ तो क्या ही गए थे, थोड़ा मतलब दोस्तों के साथ ऊनो वगैरह उनकी देख के फिर मैं इधर आके सो गया था। ये मैं अगले दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अगले दिन में भी यार कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड करने को है नहीं, कुछ नहीं यार, चलो बस इस व्लॉग में इतना ही था, ये जो 2-3 क्लिप्स थी यही थी, मिलते हैं ऐसे अगले व्लॉग में, सो दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग, मीट यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर। अरे वो कैसे भूल सकता हूँ मैं यार, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।
लाइक द वीडियो ओके सब्सक्राइब द चैनल एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू कैन गेट द न्यू अपडेट्स फॉर माई न्यू व्लॉग्स मीट इन द नेक्स्ट वन टिल देन टेक केयर सी यू बाय